नमस्कार, HBNN समाचारों में आपका स्वागत है। चाणक्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। आज सद्भावना यात्रा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 24 समाज की टीमें शामिल हुई हैं। यह शहर का बेहद अनोखा कार्यक्रम है। सद्भावना रैली गांधी मैदान से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस गांधी मैदान पर समाप्त हुई। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से लगातार यह आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में सभी समाज की टीमें शामिल होती हैं। सभी समाज की टीमों से खिलाड़ी यहां आकर खेलते हैं और सभी समाज के साथ ही सभी धर्मों से जुड़े खिलाड़ियों की टीमें इस आयोजन में शामिल होती हैं। रेलवे ने वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 में रेल लाइन के किनारे रहने वाले परिवारों को हटा दिया था। हटाए गए 42 परिवारों को अब आवाम नगर में विस्थापित किया जा रहा है। आज विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा आवाम नगर पहुंचे। यहां उन्होंने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जहां इन परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे भी मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कहा कि जिन परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है वह चिंता ना करें, यहाँ से उन्हें कभी कोई नहीं हटा पाएगा। इस कार्यकाल में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपको कोई परेशानी आगे नहीं आएगी। नाला मोहल्ले में हत्या की वारदात हुई है। घटना शुक्रवार 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। रात 11 बजे यह घटना हुई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम योगेश मेहरा है। इस युवक पर शुभम उर्फ शिबू आश्रय, नईम शेख रहीम और टीपू सुल्तान नाम के युवकों ने हमला किया था। रात करीब 11 बजे के आसपास चिस्तिया चक्की के सामने योगेश मेहरा और आरोपियों का आमना सामना हुआ और कहा सुनी होने के बाद आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे योगेश मेहरा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट किंडरगार्टन का वार्षिक स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने स्कूल में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CMO ऋतु मेहरा मौजूद थीं। आइए दिखाते हैं आपको झलकियां। लगी वो ये है कि आपको टीम मैनेजमेंट ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चों के बीच में देखने को मिली। पेशेंट के साथ साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। शिक्षा के साथ साथ उनको बहुमुखी प्रतिभा का उनका विकास होना भी जरूरी है। स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते, आपस में टीम वर्क के थ्रू उन लोगों ने